मुझे स्पेशली ये फीलिंग बहुत होती है और बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे माशरे में नहीं सिर्फ पूरी दुनिया में ये एक फीलिंग होती है कि औरतें साथ काम नहीं कर सकती और औरतें एक दूसरे का साथ नहीं देती. आप लोग एक दूसरे का बहुत मजाक भी उड़ाते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह कोऑपरेट करके एक वर्ल्ड क्लास टीम बन चुकी है. इसका बहुत सारा क्रेडिट सर मोहतशिम को भी जाता है क्योंकि उन्होंने आपके साथ हर दुख सुख में आपके साथ रहे हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने आपके साथ ये बर्डन भी उठाया. तो सर मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपकी कोचिंग फिलॉसफी क्या रही है इस टीम के लिए, और क्योंकि आप माशाल्लाह एक क्रिकेट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो किस तरह से एक मर्दों की टीम और औरतों की टीम में की कोचिंग में कोई फ़र्क होता है क्या? पर कुछ थोड़ा सा ऐसा है मर्दों में और खातिन टीम में, जितना कि अगर मैं बात करती थी जो वुमेंस टीम के साथ जब मैं आया तो इन्होंने एम्प्टी ग्लास के साथ आई. इन्होंने हालांकि बहुत कुछ इनको आता था मगर जब भी इन्होंने आके कोई चीज़ पूछी है कुछ ऐसे पूछा है कि जैसे इन्हें कुछ पता नहीं है, तो दैट इज़ दैट साइन के भी. तो फिर मेरी फिलोसफी में यह है कि मैं ज़्यादातर एम्पावर करता हूँ प्लेयर को, तो हर प्लेयर की उसकी अपनी स्किल को देखता हूँ कि वो कहाँ तक स्टैंड करती है और वो खुद क्या कर सकती है, तो उसकी उस चीज़ को मैं ज़्यादा हाईलाइट करते हुए तो जो जो चीज़ों के ऊपर वर्क करना होता है फिर साथ करता हूँ. तो मेरी फिलोसफी में एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इस टीम के अंदर मैंने जो सर दिलीप को डालने की कोशिश की, आई थिंक वो मैं अपना समझता हूँ ये एक चीज़ मैंने की है. बाकी ओवरऑल इनके साथ जितना इनको मैंने हार्ड वर्क टाइम देखा इनका, जब ये मेरे भाई भी कोच रहे थे उमर रशीद, इनके साथ ये इनका जब इंटरेक्शन था, उनके साथ काम करते, तो वहाँ पर उसको इतनी सहूलियात नहीं थी इनके पास, मगर इनकी उस वक्त भी लगन डिटर्मिनेशन जो थी टूअर्ड द गेम सीखने की जो जस्तजू थी वहाँ भी इनको हर वक्त हर मुश्किल में भी ये बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे. फिर अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इनको पीसीबी ने भी बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और आई थिंक के इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक वाहिद बॉडी है जो कि वुमेंस को अच्छा सपोर्ट कर रही है और इस लेवल तक लेकर आ गई है, और इसमें इन प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत है. और ख़ासतौर पर मैं तो ये कहूँगा इनके पेरेंट्स की जो कि इन्हें बहुत हौसला अफजाई करते हैं और इन्हें सपोर्ट करते हैं और यहाँ तक इन्होंने फिर नेशनल टीम को बहुत ऊपर तक ले गई है वुमेन क्रिकेट को, और अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन टीम को बहुत अच्छे तरीके से लोग पहचानते हैं जानते हैं. तो ऑब्वियसली दोनों तरफ से होता है, इनकी तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला और मैं अगेन ये बात कहूँगा कि मैं लकी था कि मैं इनके साथ काम करने को मुझे मिला, और जो कामयाबी मुझे इनके साथ रह के मिली है फिलहाल मैं इनके साथ इतनी नहीं मिली. वो लड़के होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल के आए हुए होते हैं, तो वो ऑलरेडी समझते हैं कि उन्हें बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ आता है, तो वो चीज़ों को इतना सीरियसली समटाइम नहीं लेते जितना कि उसे लेना पड़ता है. जहाँ तक इनका वुमेंस का ताल्लुक है हर वक्त तैयार रहती है हर चीज़ करने के लिए, तो ये एक डिफरेंस मुझे नज़र आया.